हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल। माइसेल परमेश्वर सिंह क्लास। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एक्सरसाइज आंसर्स ऑफ लेसन 3 एंड लेसन नेम इज ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज। सी टेक ऑफ क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ एनी 6 लेटेस्ट गैजेट्स यू नो, मीन्स जिन्हें आप जानते हो। इस तरह के 6 गैजेट्स के नेम राइट करिए। देखिए, फर्स्ट है स्मार्ट वॉच, फिर है स्मार्ट कैमरा, फिर है स्मार्ट टीवी, और नेक्स्ट है स्मार्ट लाइट, और नेक्स्ट है स्मार्ट फोन, और लास्ट है स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर। देखिए, डबल टैप, मैच द फ्लोइंग, मीन्स निम्नलिखित को मैच करना है। देखिए, फर्स्ट को मैच करेंगे ऑप्शन डी से, और सेकंड को मैच करेंगे ऑप्शन ए से, थर्ड को मैच करेंगे ऑप्शन ई से, और फोर्थ को मैच करेंगे ऑप्शन बी से, और फिफ्थ को मैच करेंगे ऑप्शन सी से। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच रोबोट इज कंसीडर्ड द मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट, मींस कौन से रोबोट को सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट माना जाता है। ऑप्शन ए सोफिया, ऑप्शन बी एसिमो, ऑप्शन सी पीपर, ऑप्शन डी एबो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटिंग कीप्स कंप्यूटर डाटा क्लोज टू द यूजर, मीन्स वह कौन सी कंप्यूटिंग है जो डेटा को यूजर के करीब रखती है। ऑप्शन ए क्लाउड, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एज कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइट सिमुलेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मीन्स फ्लाइट सिमुलेटर किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए वी आर, ऑप्शन बी AR, ऑप्शन सी रोबोटिक्स, ऑप्शन डी मशीन लर्निंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी AR, मींस ऑगमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एप्स आर Siri एंड Alexa? Siri और Alexa किस प्रकार के एप्स हैं। ऑप्शन ए नेविगेशन एप्स, ऑप्शन बी वर्चुअल असिस्टेंट एप्स, ऑप्शन सी लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्स, ऑप्शन डी AI गेमिंग एप्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्चुअल असिस्टेंट एप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज आई कवरिंग हेडसेट एंड हेडफोन्स टू कंप्लीटली रिप्लेस द रियल वर्ल्ड विद द वर्चुअल वन, मींस वह कौन सी डिवाइस है जिसमें हेडसेट और हेडफोन या हेडफोन होता है जो कंप्लीटली रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड से रिप्लेस कर देता है। ऑप्शन ए VR डिवाइस, ऑप्शन बी AI गेम, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए VR डिवाइस। सी राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, AR एंड VR ब्रिज द डिजिटल एंड रियल वर्ल्ड्स, मींस AR और VR डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस इज इन मुंबई, मींस भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस मुंबई में है। तो ये फॉल्स है क्योंकि वह चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरेबल AI इंटरफेस, मींस गूगल ग्लास एक वेरेबल AI इंटरफेस का एग्जाम्पल है। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंप्यूटिंग रिड्यूसेस द डिले ऑफ वेटिंग फॉर अ सर्वर इन द क्लाउड टू रिस्पॉन्ड, मीन्स एज कंप्यूटिंग क्लाउड में सर्वर द्वारा रिस्पॉन्स देने में जो वेटिंग समय लगता है उसको कम कर देता है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस दैट हैव यूनिक आइडेंटिफायर्स, मीन्स IoT नेटवर्क है फिजिकल डिवाइसेस का जिनके पास अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल अर्थ VR ऐप लेट्स यू ट्रेवल टू एनी प्लेस ऑन प्लेनेट अर्थ एंड द मून, मींस गूगल अर्थ जो VR ऐप है वो आपको अर्थ पर और मून पर किसी भी प्लेस पर जाने के लिए अलाउ करता है। तो ये ट्रू है। सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रोबोटिक्स, रोबोटिक्स क्या है। आंसर, रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट यूजेज टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, मीन्स रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग करता है।
इट डील्स विथ द डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। यह रोबोट्स के डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन और एप्लीकेशन के साथ डील करता है। रोबोट्स आर नाउडेज यूज टू बिल्ड कार्स, मैन्युफैक्चर एंड पैक आइटम्स, परफॉर्म सर्जरीज। मीन्स इस समय आजकल रोबोट्स का प्रयोग कार्स बनाने में और आइटम्स को मैन्युफैक्चर और पैक करने में और सर्जरीज परफॉर्म करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी थ्री रोबोट्स। मीन्स किन्हीं तीन रोबोट्स को डिस्क्राइब करिए। फर्स्ट, सोफिया इज कंसिडर्ड द मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन। मीन्स सोफिया सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि दुनिया का पहला रोबोट सिटीजन है। नेक्स्ट, एबो इज अ रोबोटिक डॉग। मीन्स एबो एक रोबोटिक डॉग है। इट कैन डेवलप इमोशनल बॉन्ड्स विथ फैमिली मेम्बर्स एंड प्रोवाइड लव एंड अफेक्शन। और ये फैमिली मेम्बर के साथ इमोशनल बॉन्ड को डेवलप कर सकता है और उन्हें प्यार और अफेक्शन यानी लगाव दे सकता है। नेक्स्ट, पीपर इज अ फ्रेंडली ह्यूमनॉइड डिजाइंड टू बी अ कंपेनियन इन होम एंड हेल्प कस्टमर्स एट रिटेल स्टोर्स। मीन्स पीपर एक फ्रेंडली ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि घर पर आपकी हेल्प कर सकता है और कस्टमर की हेल्प कर सकता है रिटेल स्टोर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एआर एंड वीआर, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। मीन्स एआर और वीआर के बीच में डिफरेंस बताइए और इनके दो दो एग्जांपल राइट करिए। आंसर, ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ टेक्नोलॉजी दैट सुपर इम्पोजेस साउंड्स, इमेजेस एंड टेक्स्ट ऑन द रियल वर्ल्ड दैट वी कैन सी। मीन्स ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रियल वर्ल्ड पर, जिसे आप देख सकते हैं, उस पर साउंड, इमेजेस या टेक्स्ट को इम्पोज करता है, सुपर इम्पोज करता है। ओके, इमेजेस आर क्रिएटेड बाय डेवलपर्स विद इन एप्लीकेशंस दैट ब्लेंड इन विथ कंटेंट इन द रियल वर्ल्ड। मीन्स ऐसे इमेजेस जो डेवलपर्स के द्वारा एप्लीकेशंस में डिजाइन किया गया होता है उसे रियल वर्ल्ड के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है, मीन्स मिला दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्नैपचैट, पोकेमॉन गो। वर्चुअल रियलिटी इज अ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स अ कंप्लीट वर्चुअल वर्ल्ड दैट यूजर कैन इंटरेक्ट विथ। मीन्स वर्चुअल रियलिटी कंप्लीटली एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करता है जिसके साथ में यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। इन दिस वर्ल्ड यू कैन एक्सपीरियंस प्लेसेस एज इफ यू वेयर एक्चुअली देयर। ओके, मीन्स इसमें आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं जैसे कि आप वास्तव में उस जगह पर हैं। वाइल यूजिंग वर्चुअल रियलिटी द यूजर ऑलमोस्ट ऑलवेज वेयर वी आर डिवाइसेस। मीन्स जब आप वर्चुअल रियलिटी का यूज़ कर रहे होते हैं उस समय हमेशा आपको वी आर डिवाइसेस पहनना होता है, जैसे HTC Vive और Google Cardboard। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या है? नेम एनी वन 3D प्रिंटेड डिवाइस। किसी एक 3D प्रिंटेड डिवाइस का नाम लिखिए। आंसर, 3D प्रिंटिंग और 3-dimensional प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 3-dimensional फिजिकल मॉडल। मीन्स 3D प्रिंटिंग या 3-dimensional प्रिंटिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है एक 3-dimensional फिजिकल मॉडल के द्वारा। द ऑब्जेक्ट कैन बी मेड यूजिंग अ नंबर ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल्स। मीन्स ऑब्जेक्ट को विभिन्न प्रकार के प्रिंटिंग मटेरियल्स का प्रयोग करके बनाया जाता है, जैसे प्लास्टिक्स, पाउडर्स, फिलामेंट्स, पेपर और इवन ह्यूमन टिश्यूज। टिवास्टा इज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस विच वॉज क्रिएटेड इन 2020 इन चेन्नई। तो टिवास्टा इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस है जिसको बनाया गया 2020 में चेन्नई में। सी, स्क्रैच योर ब्रेन। तो फर्स्ट नंबर आपको गूगल से करना है, सेकेंड नंबर भी आपको गूगल से करना है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द रोबोट एंड राइट इट्स फीचर। मीन्स कुछ रोबोट्स के फोटोज दिए हुए हैं, ओके, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उनके फीचर्स को राइट करना है। ओके, तो फर्स्ट है एमका रोबोट्स। ओके, एमका रोबोट्स मूवमेंट्स आर मोर लाइफ लाइक देन अदर रोबोट्स। मीन्स इसका जो मूवमेंट है, जो चलने का तरीका है, वो ज़्यादा जीवंत है अन रोबोट की अपेक्षा। ओके, कंपनीज क्रिएटिंग AI और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज कैन यूज एमका टू टेस्ट एंड प्रेजेंट देयर टेक्नोलॉजी इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस। मीन्स कंपनीज क्रिएट कर रही हैं AI या फिर मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी जो कि एमका का प्रयोग कर सके और उसके
टेक्नोलॉजी को लाइव ऑडियंस के सामने रख सके। नेक्स्ट, सोफिया इज कंसीडर्ड द मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट, इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन। ओके, जो नेक्स्ट इमेज है वो है सोफिया का। ओके, तो सोफिया मोस्ट एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट है और दुनिया का पहला रोबोट सिटीजन भी है। ओके, और नेक्स्ट है एबो। एबो एक प्रकार का रोबोटिक डॉग है। इट कैन डेवलप इमोशनल बॉन्ड्स विथ फैमिली मेम्बर्स एंड प्रोवाइड लव एंड अफेक्शन। ओके, और ये फैमिली मेम्बर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग को बना सकता है और उन्हें लव और अफेक्शन दे सकता है। नेक्स्ट है नाओ। नाओ इज अ स्मॉल ह्यूमनॉइड रोबोट पैक्ड विथ सेंसर्स। ओके, नाओ एक स्मॉल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि सेंसर्स के साथ पैक है। इट कैन वॉक, डांस, स्पीक एंड रिकॉग्नाइज फेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, और ये वॉक कर सकता है, डांस कर सकता है, बोल सकता है और इंसानों के फेस और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ डेज सेवरल एप्लीकेशंस लाइक यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट, फेसबुक ETC कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन वॉइस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट अकॉर्डिंगली। मीन्स आजकल जो बहुत सारे एप्लीकेशंस है जैसे कि यूट्यूब है, गूगल असिस्टेंट है, फेसबुक है, वो इंसानों की आवाज़ को समझ लेता है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोवाइड करता है। विच AI टेक्नोलॉजी इज यूज इन देम टू अंडरस्टैंड ह्यूमन वॉइस। ओके, तो इंसानों की वॉइस को समझने के लिए उसमें कौन से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। नेक्स्ट, मानवी अटेंडेड एन ऑनलाइन ऑक्शन एंड बॉट ज्वेलरी फॉर हरसेल्फ। ओके, मानवी ने एक ऑनलाइन ऑक्शन में भाग लिया और ज्वेलरी अपने लिए खरीदा। ओके, द ज्वेलरी यूजेज नॉन ट्रेडिशनल डिजाइंस विच वेयर नॉट पॉसिबल विथ द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ज्वेलरी मेकिंग। ओके, और जो ज्वेलरी है ओके उन पर नॉन ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। ओके, जो कि जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनाने के तरीके हैं उनसे पॉसिबल नहीं है उस डिज़ाइन को बनाना। ओके, तो विच प्रोसेस इज बींग यूज हेयर, तो इस ज्वेलरी को बनाने में कौन से प्रोसेस का यूज हुआ है? तो इसका आंसर है 3D प्रिंटिंग। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।